हेलो गाइस, वेलकम टू द इंडियन गिटारिस्ट चैनल। मैं हूं नितिनेश नित्ते। सो पहली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था, स्पॉटिफाई प्लेग जो मैंने पहली वाली बनाई थी टेबल स्टैंड के लिए, टेबल के लिए। जो ये वाली वीडियो है इसमें स्पॉटिफाई प्लेग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बट जो ये वाला प्लेग रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये सॉकेट वाला रहेगा। आप डायरेक्ट उसको सॉकेट में लगा के 7 कलर्स में वो चेंज हो सकता है। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, हम किसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। सो आपने पहले ही काफ़ी प्यार दिया है, इस तरह ही आप प्यार देते रहें स्पॉटिफाई के बारे में। और बाकी सारे जो भी स्टूडियो या इंडोर डेकोरेशन की चीज़ें हैं उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है मैंने डाल चुकी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने ऑफिस में और उसमें रख सकते हैं। सो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉटिफाई प्लेग रहेगा सॉकेट वाला, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका प्यार, आपका लाइक, शेयर, सपोर्ट सब मुझे चाहिए रहता है। सो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं अनबॉक्सिंग स्पॉटिफाई प्लेग की, जो कि सॉकेट वाला हमारा रहेगा। ये हमें बॉक्स में मिला है। सो ये हमारा जो है स्पॉटिफाई प्लेग, जिसमें कि मेरा जो है स्कैनेबल कोड लगा हुआ है बता देना सॉन्ग का, और साथ में मेरी फ़ोटो लगी हुई है। ये इसका सॉकेट है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ये दिखने में भी बड़ा है। अगर आप अंदाज़ा लगा ले, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ के हिसाब से इसकी जो है लेंथ रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो लेंथ है वो कितनी रहेगी। 3.5 इंच के करीब इसकी जो है वो लेंथ रहेगी और 1.5 इंच के करीब जो है इसका विड्थ रहेगा। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर लिखा हुआ है बता देना स्पॉटिफाई का जो यहाँ पे कोड है स्कैनेबल वो बना हुआ है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें से गाना प्ले होता है या कोई भी उसमें सबसे में गाना प्ले होता कि नहीं होता। सो इतना भी एडवांस काम नहीं आया है। ये इसमें क्या रहता है कि अब जब स्पॉटिफाई ओपन करोगे, वहाँ पे सर्च के बटन पे जाओगे, वहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आपको वहाँ पे एक स्कैन कोड करना का रहता है। जब आप इस कोड को स्कैन करोगे तो वो जो ये वाला गाना है आपके उसमें जो है वो प्ले होगा, ठीक है जी। सो ये है बता देना सॉन्ग। अगर आपने अभी तक नहीं जाके सुना है मेरा सॉन्ग बता देना तो जाके प्लीज़ ज़रूर सुने, प्यार दे। मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग जो रिलीज़ हो चुके हैं। सो ये है हमारा स्पॉटिफाई का प्लेग जिसकी मैं बात कर रहा था सॉकेट वाला। तो इसमें से जो है वो 7 कलर्स जो है वो निकलते हैं। मैं आपको सारे जो है इसका सब कलर्स जो है जो भी निकलेंगे वो मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। सो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ खास बात करने वाली नहीं है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है बट ये क्रिस्टल प्लास्टिक है, ये दूसरी वाली हार्ड प्लास्टिक है। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अंदर इसके जो है वो सिंपल एक LED लगी हुई है और इसको डबल टेप के माध्यम से ही जो इसको चिपकाया गया है। मैंने सोचा था कि कुछ और तरीके से इसको या थोड़ा सा और अच्छी बिल्ड क्वालिटी करके इसको चिपकाया गया होगा, बट जो अंदर है अंदर सिर्फ इसको ऐसे रख के और डबल टेप लगा रखी है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो आप उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हैं। पीछे वाला हिस्सा काफ़ी अच्छा है, सॉकेट काफ़ी मजबूत है, जो इसका शू है तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। इसको आप डायरेक्टली जब प्लग इन करोगे सॉकेट में तो ये 7 कलर्स आपको निकाल के देगा। तो ये हमारा स्पॉटिफाई प्लेग। सो दिखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है इसकी जो क्वालिटी है। सो गाइस इतना ही था इसमें। मैं आपको साथ साथ में जो है वो इसका बता दूंगा कि इसमें इसके कलर्स कैसे निकलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। एक अलग से अभी साथ में वीडियो नीचे चलेगा। सो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मुझे चाहिए रहता है। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने सीखना है कि आप इसकी जो है स्कैनेबल कोड अगर आपने बाहर से नहीं बनाना है, खुद बनवाना है या फिर प्रिंट करके लगाना है, स्कैनेबल कोड जो है कैसे क्रिएट करते हैं, तो मेरी स्पॉटिफाई फ्रेम जो टेबल स्टैंड पे रखने वाला होता है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप जाके ज़रूर देखें। आप सर्च करें या फिर आप ऊपर आई बटन में जाके भी देख सकते हैं, आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही प्यार देते रहें, फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।